अब तक आपने देखा? अरे उठो उठो, अरे चलो पूनम ठकुराइन, आज की रात तुम्हारी रही, लेकिन कल का सवेरा तो हमारा होगा। अब देखिए आगे। कितनी मुश्किल से मौका मिला था कि दिखा दे हम बिंदिया को कि हम भी सास हैं। हमारे एक इशारे से ना हमारे बेटे के दिमाग में गुस्से का आग लग जाता है, और उस आग में हम कभी भी अपने दुल्हन को जला सकते हैं, कभी भी। लेकिन सब फेल। रेखा देवी, सब भगवान, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? 25 साल से जिस बेटे के सीने में हमने अंगार मले, जिसको ज्वालामुखी बनाया, वो अचानक शांत कैसे हो गया? ये सब कहीं हमारे दुल्हन ने काला जादू तो नहीं कर दिया? नहीं भगवान जी, ऐसा जाले मत बनो, क्या करें? कल ही ओझा बुलाएं, ओझा बुला कर ना इस काला जादू का तोड़ निकालेंगे। तय है रेखा देवी। अरे मैया, चूहा हमारे कमरे में कैसे आ गया? अरे अकल के दुश्मन, इधर का भागे आ रहे हो? जाओ, अरे हट ना। अरे झाड़ा, झाड़ू किधर रखा? अरे उठिए ना ठाकुर साहब, ओ ठाकुर साहब उठिए, क्या करें हम? ऐसे कौन सा घोड़े का तबल बेच के सो रहे हैं? उठिए ना। अरे बोले किस्मत राम जी, एक बेटा जो कि पलटी मार गया, और देखिए पति, हम यहाँ मरे जा रहे हैं और खराटे लेने से फुर्सत ही नहीं है इनको। हट ना, हट। कर रही थी
चाय बना कर लाती। जी कुछ नहीं। हमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, इतने चूहे आए कहां से? हमें भी कुछ समझ में नहीं आया भाभी। मुन्नी, प्रियोम और बिंदिया अलग अलग काहे सो रहे हैं? शायद किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया होगा, इसीलिए अलग सो रहे। भाभी, कल जरा बिंदिया थक गई थी तो हम सोचे कि उसको आराम से सोने देते हैं, इसलिए हम वहीं बगल में कुर्सी पर सोए। पर हम तो आपसे कुछ पूछे ही नहीं देवर जी। पूछे नहीं भाभी, लेकिन आपके चेहरे पर तो 100 सवाल दिख रहे थे हमको, इसलिए बता दिए। प्रियोम के जवाब से हम संतुष्ट नहीं। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रियोम और बिंदिया हमसे कुछ छुपा रहे हैं? ये लोग जो दिखाते हैं उनका रिश्ता ऐसा है नहीं शायद, लेकिन जितना हम प्रियोम को समझते हैं वो बिंदिया की गलतियों के सामने घुटने नहीं टेके। बड़े पापा ने बहुत भरोसे से उसको बाहुबली बनाया। उनमें अगर ऐसा है तो प्रियोम अभी तक बिंदिया को रोके काहे नहीं? जब से आई है तब से अपनी मनमानी ही वो कर रही है ना। हम भी यही सोच रहे, हो ना हो इन दोनों के बीच जरूर ऐसा कोई राज जिसकी वजह से प्रियोम चुप और जिसकी वजह से बिंदिया को शहमेट। मम्मी, अगर ऐसा है तो
बात की तह तक हमें जरूर पहुंचना चाहिए। आप सही कह रही हैं माँ, और यही इस परिवार और बेगुसराय के हक में होगा। थकान हो गई है ना, आज पूरा दिन सोऊंगी तब जाकर आराम मिलेगा। अरे कोई है, चाय पिला दो। अरे हरिया, ये फूलों की लड़िया कहे नहीं लगी रही अब तक? बस लगा रहे हैं छोटी अम्मा। और ये जगह जल्दी से साफ कर दो, कब करोगे? इस सुबह सुबह कहाँ चीखने लगते हैं लोग। ठाकुर परिवार का घर भी ना किसी तमाशे वाले के घर से कम नहीं है। पता नहीं का तमाशा शुरू हो जाता है सुबह सुबह। पर एक सासू माँ है हमारी, जिनको जरा भी ख्याल नहीं है कि हमारी बहू पूरा दिन काम करके जरा आराम कर रही है। रेखा रानी, रेखा रानी। अरे भूषण, रेखा दुल्हन कहाँ है? सुबह उठ के देखा तो बलरिया की तरह ऊपर चढ़ के सो रही है। अभी तक चूहे भगा रही है रेखा देवी। चलो उठाते हैं इसको, चलो बहुत काम है, चलो। जी जी। क्या हुआ? छोटी अम्मा, दिल का दौरा पड़ने वाला था हमको भी। रहने दो रेखा रानी, हमका जानते नहीं तो चूहे खा के हजम करने वाली बिल्ली हो तुम। अरे नाम मत लीजिए, तुम बकचू होगा। जल्दी से कान पकड़ के माफी मांग लो रेखा रानी। माफी चूहे से? हाँ, का है? इसी चूहे को वाहन बना के आज गणेश जी बड़ी हवेली में प्रवेश करने वाले हैं। जी जी की मन्नत पूरी हो गई ना? हाँ। तो अब जल्दी से ये बंदरिया से रेखा दुल्हन बन जाओ और नहा धो के नीचे आ जाओ हाथ बटाने। आज पूजा है ना घर में, आज पड़ोस की औरतों को भी न्योता भिजवाया है हमने। आते हैं। चूहा, अरे किधर है? किधर है चूहा? बड़ी तो बड़ी, एक छोटी का भी पर निकल आया। देखिए, कोई बात नहीं बुढ़िया, बिंदिया से कहकर तुम्हारा पर ना कटवाए ना, हमारा नाम भी रेखा रानी नहीं। ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ फिर किसी का ब्याह होने लगा है क्या? का कार्यक्रम शुरू हो गया है अचानक। बड़ी हवेली में ना गणेश चतुर्थी का आयोजन किया गया है, उसी की तैयारी है। अच्छा लग रहा है ना सब कुछ। बड़ी अम्मा ने आस पड़ोस वालों को भी न्योता भेजा है। पर ये अचानक गणेश स्थापना किस खुशी में हो रहा है? जी जी ने ना मन्नत मांगी थी, जिस दिन भूषण और फूलन का परिवार फिर से एक साथ हो जाएगा तब से हर साल इस हवेली में गणेश पर्व मनाया जाएगा। बड़ी ठकराई, देखिए हमने सारे चूहे पकड़ लिए। बिंदिया दुल्हन,
इनकी मजदूरी दे दो। अब घर की चाबियां, हिसाब किताब सब तुम ही संभालती हो ना। निकालो 500 रुपया। 500 रुपया? क्या जी, चूहे पकड़ने का 500 रुपया लोगे तुम? अरे चूहा पकड़े हो, जमीन खोद के सोना नहीं निकाले हो। 500 रुपया बड़े आए, जब हो गया से कुछ नहीं मिलेगा। इनको पैसा नहीं दिया ना तो ये सारे चूहे यहीं छोड़ जाएंगे। हम तो रह लेंगे, पर सोचो एक भी चूहा अगर तुम्हारे कमरे में घुस गया ना तो क्या होगा? दे दो, बहस मत करो, दे दो। लो। और सुनो, अगली बार जब चूहा पकड़ो ना तो दाम सोच समझ के लगाना। जी जी जल्दी कीजिए ना, आरती का समय हो रहा है और मेहमान भी आते होंगे। बिंदिया दुल्हन, बेगूसराय की रानी बिना नहाए पूजा में बैठेगी तो लोग क्या कहेंगे? लोगों को दिखाने के लिए कम से कम बाल ही गीले करके आओ। ये देखो, ये बुढ़िया की जबान फिर से कैंची की तरह चलने लगी। किसे आपने बताया नहीं? गणेश जी की पहली आरती कौन करेगा? वही जिसने दोनों परिवारों को जोड़कर हमारी मन्नत पूरी की है। पुन्नी, वैसे भी शादी के बाद ये घर का पहला त्योहार और पूजा भी पहली बार हो रही है, पूजा पुन्नी को ही करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो माया दुल्हन। कहाँ सोच रही हो पुन्नी? जल्दी से जाके तैयार होके आ जाओ। और इसे देखा जाए, हमारी भी तो नई नई शादी हुई है और शादी के बाद ये हमारी भी तो पहली पूजा है। मगर रिश्ते में पुन्नी तुमसे बड़ी है ना बिंदिया? हाँ तो कहाँ हुआ छोटी अम्मा, वैसे भी इस घर का नियम है कि यहाँ रिश्तों से बड़ा औदा होता है। और औदे में तो हम यहाँ सबसे बड़े हैं ना। औदे से तुम घर वालों के लिए बड़ी हो बिंदिया, पर आज की पूजा में बाहर वाले भी शरीक होंगे। गणेश जी का नाम हर शुभ काम में सबसे पहले लिया जाता है, लेकिन अपनी पूजा के साथ अशुभ होते देखकर वो लोग वापस लौट जाएंगे। का अशुभ होगा आरती के साथ? और सब वापस क्यों लौट जाएंगे? तुमको देख के लौट जाएंगे बिंदिया। त्रिओम इस घर का बेटा है, इसीलिए तुम्हारा अतीत भूलकर हमने तो तुम्हें अपना लिया। पर वो मोहल्ले वालों का बेटा थोड़ी है जो वो भी तुम्हें अपनाए। उनके लिए तुम हमेशा नचनिया थी और नचनिया ही रहोगी। प्रियोम के बाहुबली होने के जोर पे हम तुम्हें घर की चाबियां तो सौंप सकते हैं बिंदिया, पर पूजा की थाली नहीं। क्योंकि इस गणेश भरोसे उन लोगों की भावना, उनका मन, उनकी श्रद्धा सब जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज की आरती आरती उनमें ही करें। जाओ पुन्मी, तैयार हो क्या? आज
है छोटी जी। वो पूजा के लिए नई साड़ी लाए हैं ना, वो पुन्मी के कमरे में भिजवा देना।